हाय वेलकम, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। सो टुडे आई विल शो कि आप घर पे कैसे एक हेल्दी एंड इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी बना सकते हैं। सो दिस रेसिपी रिक्वायर्स मिनिमम प्रेपरेशन टाइम एंड आपको फर्मेंटेशन करने की भी उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इट इज़ वेरी हेल्दी। इसके लिए आपको चाहिए होगा 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी चॉप्ड स्पिनेच, 2 chopped green chilies, 1 chopped onion, 1 teaspoon of ginger paste and 1 teaspoon of garlic paste. Next you require ajwain seeds 1 teaspoon and salt you can take according to taste. So सबसे पहले हम आटे को mix करेंगे with water and हम उसका एक smooth paste बना लेंगे। सो इधर हमने 2 कटोरी आटा लिया है तो उसके लिए रफली हमने 3.5 कटोरीज वाटर ऐड किया है, बट आपको एक ही गो में वो ऐड नहीं करना है। ट्राई मिक्सिंग इट विद 1 कटोरी फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज दी वाटर क्वांटिटी। नाउ यू कैन सी कि ये स्मूथ पेस्ट बन गया है, इसकी ऐसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नाउ यू विल ऐड द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इनटू इट एंड देन यू विल मिक्स इट वेल। यहाँ पे हमने नॉनस्टिक तवा हीट कर लिया है टू मेक द चिलास। The best part about आटा चिलास is that they remain soft. अगर आप उसे पैक करके बाद में भी you prefer to have it, even then they remain super soft, which is the best thing about it.
सो वंस दिस इज़ डन लेट्स प्रेप आर चटनी। चटनी के लिए हम लोग रोस्ट कर रहे हैं टोमेटोज़ को डायरेक्टली ऑन द गैस स्टोव। वी आर नॉट कुकिंग इट इन ऑयल और फ्राइंग इट, वी आर सिंपली रोस्टिंग दैम ऑन द फ्लेम सो दैट एक बहुत ही अच्छा स्मोकी बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा चटनी में। हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, जब हम इसको टर्न करते रहेंगे टोंग से। सो वी विल गेट टू नो कि अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया एंड कुक हो गया है। सो हमें जो इसका पल्प मिलेगा अंदर वो बहुत ही अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर का होगा। नाउ ये ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं एंड जब ये अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाए देन यू कैन रिमूव देम। ठंडा होने दो उसको एंड देन यू कैन रिमूव द पील। व्हेन दिस इज़ डन तब हम उसको ब्लेंडर में टोमेटोज को डाल के उनका एक पेस्ट बना लेंगे। Now we will add this tomato paste to a bowl जिसमें हम 2 medium sized onion and chopped green chilies डाल के mix कर लेंगे। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच एंड 1 चम्मच ही शुगर हम इसमें ऐड कर लेंगे। इट विल गिव अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर। लास्टली वी विल ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर। I really hope you all will relish this instant and healthy breakfast recipe. If you did, hit like, subscribe, and thank you so much for stopping by.